मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा मंत्री उमा भारती आज छिंदवाड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उमा भारती ने लोधी समाज पर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई भी धर्म या समाज किसी राजनीतिक पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। शराबबंदी पर अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि अब जो नई शराब नीति बनेगी उसमें मेरे सुझाव शामिल किए जाएंगे। मैं शराब की घोर विरोधी हूँ। उन्होंने भगवान राम और हनुमान को लेकर भी कहा कि इन पर सिर्फ भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, जबकि पठान मूवी में भगवा वस्त्र के मामले में उमा भारती ने सेंसर बोर्ड को आड़े हाथों लिया। उमा भारती ने कहा कि भगवा का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व तो नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आँखें खोली तो सूरज चाँद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है, हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है, हम भी हैं ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। कोई जाति, कोई समुदाय, कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का बंधक नहीं हो सकता लोकतंत्र में। मैंने ये कहा है और मेरा कहने का आगे भी यही मतलब रहेगा। हम कभी भी ये भ्रम ना पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा। नहीं हो सकता, उनकी अपनी आस्थाएं होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? चाहे हमने भले ही राम मंदिर का निर्माण किया हो, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल में हम अभी नहीं जीत पाए तो क्या वो हिंदू थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया? तो इसलिए आप किसी धर्म को, आप किसी जाति को, आप किसी मत को और आप किसी व्यक्ति को जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां बंधक नहीं बना सकते। ये बात मोदी जी ने भी कही और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष को बहुत मजबूत रहना चाहिए। मोदी जी लोकतंत्र में बहुत आस्था रखते हैं, ये परंपरा है हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में आस्था रखने की। ये कांग्रेस में नहीं है ये परंपरा, इन्हें इमरजेंसी लगाई, इन्हें देश का, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी है मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना है कि भारत टूटा हुआ कहाँ दिख रहा है आपको, ये बता दो। हमें तो जुड़ता हुआ दिख रहा है, 370 हट गई है, भारत तो जुड़ गया, ज्यादा मजबूती से जुड़ गया है। और हम जो पीओ को है उस पर भी हम दावा कर रहे हैं कि वो भी हम इधर लेके आएंगे। तो भारत तो एक ही बार टूटा है जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया देश का। तो अगर भारत जोड़ना है तो उस हिस्से को लाने की बात करे कांग्रेस, जो भारत टूट गया कांग्रेस के समय पर। जोड़ो की कोई बात ही नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों को हम ही मानते हैं और हमने यही सीखा है कि आप किसी को बंधक नहीं बना सकते। मैं ये बात कह रही हूँ, ना हिंदू समाज को, ना अन्य समाजों को, ना किसी जाति को, ना किसी समुदाय को, ना किसी व्यक्ति को आप ये नहीं मान सकते कि हमारे पट्टे में लिखा हुआ है उनको पूरी। हाँ, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का मतदाता और पार्टी का नेता। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।